Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel and आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली काइंड अफेयर्स क्विज 5 दिसंबर के. देखिए ये वीडियो आपको रोज़ाना 7 से 8 बजे के बीच में उपलब्ध हो जाया करती हैं एंड ये आप जो जिस भी तरह के गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं आप लोग सब इस वीडियो को आराम से प्रेफर कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस बेल आइकन पर प्रेस करके आपको नोटिफिकेशंस जो है वो टाइमली मिल जाया करेंगी. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2019 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा मुख्य अतिथि होंगे. 2019 में जो हम अपने गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करने वाले हैं, मनाने वाले हैं 26 जनवरी को, तो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है सिरिल रामाफोसा ये मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे. हर वर्ष क्या होता है ना कि जब हमारे हम अपने देश में गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करते हैं तो राष्ट्रपति के समक्ष समारोह आयोजित की जाती है. तो इस साल के जो 2019 में जो हमारे अतिथि होंगे इनका नाम है सिरिल रामाफोसा और ये होंगे दक्षिण अफ्रीका के. हमारे ऑप्शन हो जाएंगे ए. देखिए जब हमने 26 जनवरी 1950 से हम अपने गणतंत्र दिवस को मनाते आ रहे हैं तो गणतंत्र जो हमारे सबसे पहले अतिथि आए थे ना ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे और इस बार कहाँ के आ रहे हैं, सिरिल रामाफोसा जी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं. जनवरी 2019 में कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन से हट जाएगा. सबसे पहले ये जान लेते हैं पेट्रोलियम निर्यात करने वाला संगठन ओपैक दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिसमें अभी मतलब प्रेजेंट में 15 मेंबर है, इसमें मतलब 15 देश शामिल है इस संगठन में. ठीक है अब देखिए जनवरी 2019 में क्या होगा कि एक देश जो है इस संगठन से हट जाएगा और ये देश है कतर. हमारे ऑप्शन जाते हैं ए कतर. देखिए कतर एलएनजी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है पूरी दुनिया में. एलएनजी सबसे ज़्यादा उत्पादक उत्पादक का देश यही है कतर है. तो यही अलग हो जाएगा ओपेक से. और ओपेक क्या है ये चीज़ें क्लियर हो गई. ये आपकी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है और ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है ये है आपकी वेना ऑस्ट्रिया में. तो और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ओपेक की जो स्थापना हुई थी ये 1960 में हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं. रणनीतिक अभ्यास वर्जकाया भारत और किस देश के बीच में संपन्न हुई है. तो वर्जकाया जो है ये भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हुई है. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए अमेरिका. देखिए एफकेट और सीडीएस वाले जो बच्चे हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान दे सकते हैं. और जैसे कि मैंने बताया था कि कोंकण अभ्यास अभी अभी ख़त्म हुई है, फिर कोप इंडिया ख़त्म हुई है, तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखिए. क्वेश्चंस बस यही आते हैं कि ये किन दो देशों के बीच में हुई है. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्जकाया अभी अभी भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हुई है. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे इंटरनेशनल मैराथन का खिताब किसने जीता है. पुणे इंटरनेशनल मैराथन का 2018 में 33वां वर्ष मनाया गया है, मतलब इस बार इसका 33वां साल था. ठीक है पुणे इंटरनेशनल मैराथन को सेलिब्रेट करते हुए और इस बार का खिताब पुरुष की श्रेणी में मैंने यहाँ क्वेश्चन रखे हैं, ऑप्शंस रखे हैं. तो अटलाविम देवेवे ने पुरुष की श्रेणी में पुणे इंटरनेशनल मैराथन का खिताब जीता है और अगर और ये इथोपिया के रहने वाले हैं. और अगर महिला श्रेणी की बात करूं तो पास्कलिया चेकोबी जो कि केन्या की रहने वाली है उन्होंने पुणे इंटरनेशनल मैराथन का खिताब जीता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं. विश्व सीमा शुल्क संगठन के 3 दिवसीय पॉलिसी कमीशन का 80वां सत्र किस शहर में शुरू हुआ है. विश्व सीमा शुल्क संगठन इन्होंने अपने 3 दिनों का पॉलिसी कमीशन का सत्र समारोह मनाया तो ये किस शहर में शुरू हुआ है. देखिए ये 3 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है और आज 5 दिसंबर है और आज ये खत्म होने वाला है. तो ये शुरू हुआ है मुंबई में. हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ये मुंबई. आज तो ये समाप्त होने वाली है, ये 3 दिवसीय थी जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है एंड इन्होंने इसका 80वां सत्र मनाया. और देखिए व्यापार सुविधा या जितने भी अवैध वित्तीय प्रवाह है अब उसे नियंत्रित करने के लिए उनसे जुड़े मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई है, ये आप ध्यान रख सकते हो. तो ये हुई है मुंबई में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं. किसको मैक्सिको राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, मतलब मैक्सिको के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं. इनका नाम है एंड्रेस मैनुअल एंड राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने से पहले ये मेयर थे मैक्सिको सिटी के.
ये चीज़ें क्लियर हो गई, हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए। अब बात आती है मैक्सिको। मैक्सिको का आप ध्यान रख सकते हो कि मैक्सिको की जो राजधानी है वो है मैक्सिको सिटी, एंड यहाँ का मुद्रा है मैक्सिकन पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। भारत किस वर्ष में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत, मोदी जी ने ये अभी अभी घोषणा की है कि G20 शिखर सम्मेलन की जब हमारा भारत जब होस्ट करेगा वो 2022 में करेगा। हमारे ऑप्शन है ए 2022, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 2022 में G20 का जो शिखर सम्मेलन होगा वो हमारे भारत के द्वारा आयोजित किया जाएगा, होस्ट करेगा, सॉरी होस्ट किया जाएगा, उसकी मेजबानी हमारा देश करेगा। एंड G20 है क्या? G20 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। और 2018 की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस बार की G20 जो शिखर सम्मेलन थी ये आप ध्यान रख सकते हो कि अर्जेंटीना ने इसे होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। किस देश में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन शुरू हुआ है? जलवायु परिवर्तन को लेकर एक सम्मेलन शुरू हुआ है जो कि 3 दिसंबर से शुरू हो चुका है और ये 14 दिसंबर तक चलने वाला है। ये इनकी 24वीं बैठक है जिसमें ये जलवायु से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और ये शुरू हो गया है पोलैंड में। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं डी पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गंगा संग्रहालय अवधारणा का विकास भारत और यूरोप के बीच अनुभव और विचारों का आदान प्रदान। एक गंगा संग्रहालय अवधारणा का विकास भारत और यूरोप के बीच अनुभव और विचारों का आदान प्रदान पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित हुई, और ये किस शहर में हुई? तो ये जो शहर है ये हुई है दिल्ली में। हमारे ऑप्शन हो गए बी दिल्ली। देखिए इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें भारत और यूरोपीय संघ के लोगों ने भाग लिया, जिसमें गंगा का इतिहास और पौराणिक कथाओं को चित्रित किया गया है। विशाल आबादी की आजीविका के लिए गंगा की क्या महत्व है ये बताया गया है। इसमें गंगा संग्रहालय और गंगा प्रदर्शनी की चर्चा की गई है। तो बस ओवरऑल मैंने बता दिया कि इसमें हुआ क्या, और ये हो गई दिल्ली में। हमारे ऑप्शन जाते हैं बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको चीनी मांझा पर प्रतिबंध लगाने के लिए हीरो टू एनिमल से सम्मानित किया गया है? देखिए हीरो टू एनिमल का पुरस्कार दिया गया वो कौन से शख्स है जिन्होंने चीनी मांझा, जो कि पतंग में उपयोग होने वाला धागा जो होता है, उस पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये है दिल्ली में खाद्य आपूर्ति और पर्यावरण वन मंत्री श्री इमरान हुसैन जी। तो उन्होंने देखिए ये होता क्या, चीनी मांझा, जैसे कि हम सभी जानते हैं जब पतंग में ये यूज होता है, पतंग उड़ाने के लिए जो धागा यूज होता है उसे मांझा भी लोग बहुत लोग कहते हैं। तो वो मांझा क्या होती है, बहुत तीव्र होती है, हाथ में थोड़ा सा लग जाने से ही वो कट जाता है। तो इससे हो क्या रहा है कि जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं उन्हें भी नुकसान पहुँच रहा है, बहुत उससे कट जाती है हाथ। और उसके साथ ही साथ अगर वो मांझा रोड पे फेंक दिया कहीं तो जीव जंतु खा लेते हैं, तो उन्हें भी वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये सब सोचते हुए इस पे इसके और चूंकि ये नायलॉन से बनी रहती है, ठीक है, तो चीनी मांझा की बिक्री, इसके उत्पादन, उसके भंडारण, आपूर्ति, आयात, उपयोग, सारी चीज़ों पर बैन लगा दिया गया है। तो इसके कारण इन्हें हीरो टू एनिमल से सम्मानित किया गया है, ये है श्री इमरान हुसैन जी। अब मैं बता दूं इससे रिलेटेड आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हो। हीरो टू एनिमल से और किस श्रेणी में और 3 लोगों को सम्मानित किया गया है? जैसे यहाँ पूर्वी दोषी को मैंने ऑप्शन में रखा है। इन्होंने क्या किया है ना, पौधों से बने हुए, पहली चीज़ें तो क्या है कि उसमें कह लिए पौधों से जो चीज़ें आई हैं उनका ही उपयोग किया गया है। दूसरी चीज़ें हैं उन्हें हाथ से बनाया गया है, इसमें मशीन का यूज़ नहीं हुआ है। वैसे इन्होंने कपड़ों का उपयोग किया है जिससे इन्हें समग्र डिज़ाइनर अवार्ड दिया गया है। और इवन कभी कभी होता है ना कि जानवरों के चमड़े यूज़ कर लिए जाते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, टोटली इसमें पौधों का यूज हुआ है। तो इसके कारण इन्हें समग्र डिज़ाइनर अवार्ड दिया गया है। एंड कॉकरीज़ा की मैं बात करूँ तो कॉकरीज़ा ने टिकाऊ कॉर्क कपड़े का उपयोग करके बैग या जेब ये सारे का निर्माण किया है, तो इन्हें अभिनव फैशन पुरस्कार दिया गया है। और नटरीवा ने जितने भी सेंटेड मूंगफली या मसाला से बने जो मूंगफली होती है ना उसका मक्खन बनाया है, ये दुनिया का पहला ऐसा गैर डेयरी मक्खन बनाने के लिए इन्हें ये खाद्य पुरस्कार दिया गया। यूजुअली देखा कहा जाता है जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, सब डेयरी में मिलती है, और ये गैर डेयरी है क्योंकि इन्होंने इसे मूंगफली से तैयार किया है। तो इनकी इस उपलब्धि के कारण इन्हें खाद्य पुरस्कार दिया गया है। तो ये तो थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मैंने क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि चीनी मांझा पर जिन्होंने रोक लगाया है तो इन्हें हीरो टू एनिमल से सम्मानित किया गया है, और इनका नाम है श्री इमरान हुसैन। चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की न्यायाधीश समिति के 7 सदस्यों में से कौन चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, अब देखिए इनकी जो पैनल होती है न्यायाधीश समिति की, उसमें 7 सदस्य होते हैं, तो उसमें एक सदस्य ऐसे चुने गए हैं जो कि भारतीय है, और इनका क्या नाम है? इनका नाम है पवन सिंह। हमारे ऑप्शन है ए पवन सिंह, एंड ये जो हमारी राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन है इंडिया की, इसके संयुक्त महासचिव भी हैं, और ये आप ध्यान रख सकते हो कि ये भारतीय शूटिंग टीम के पूर्ण कोच भी रह चुके हैं, एंड अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की जो हेडक्वार्टर है वो है आपकी म्यूनिक जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण में तकनीकी सदस्य के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एक तरह से ये समझ लीजिए ये अगले 3 सालों के लिए नियुक्त हुए हैं, और तकनीकी सदस्य के रूप में इन्होंने अपना पदभार संभाला है, और इनका नाम है रविंद्र कुमार वर्मा। हमारे ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में राष्ट्रमंडल वरिष्ठ पटेबाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई है? मतलब कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप जो है ये किस देश में आयोजित हुई? तो ये हुई ऑस्ट्रेलिया में। हमारे ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया। अब हम इसमें बात करते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंडिया का प्रदर्शन इसमें कैसा रहा है। तो देखिए हमारे इंडिया इसमें 3 मेडल लेके आई है, 2 गोल्ड लेकर आया है लेकर आई है और 1 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। 1 गोल्ड जो है वो भवानी देवी में जीता है, वो तलवारबाजी में। दूसरा गोल्ड इन्होंने एक उनकी सबर टीम स्पर्धा, पूरी जॉइंट टीम की इनकी एक ग्रुप थी, दूसरा गोल्ड उन्होंने लाया है। और 1 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो करण सिंह ने जीता है, वो भी तलवारबाजी में उन्होंने जीता है पुरुष की श्रेणी में। तो ये कुछ चीज़ें थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इसमें हमारे इंडिया का प्रदर्शन था। ओवरऑल अगर बात होगी कि राष्ट्रमंडल वरिष्ठ पटेबाजी चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप हुई कहाँ, तो ये हुई ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा ओपन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज 2018 किस शहर में आयोजित किया गया? तो टाटा ओपन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज 2018 मुंबई में आयोजित हुआ है, और इसमें इनाम के तौर पर $25,000 रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्ट्रा रनिंग में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक किसने जीता? अल्ट्रा रनिंग में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले शख्स का नाम है उल्लास नारायण। देखिए ये अल्ट्रा रनिंग जो हुई इसमें ये तीसरी पोजीशन पे रहे हैं, पर ये पहले हमारे भारत के पहले ऐसे रहे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता है अल्ट्रा रनिंग में। तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी उल्लास नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, न्यायमूर्ति का आर्किटेक्चर, देखिए ये क्वेश्चन आपकी पुस्तक और लेखक की श्रेणी से है। न्यायमूर्ति का आर्किटेक्चर सर्वोच्च न्यायालय और भारत के उच्च न्यायालयों की एक चित्रकारी यात्रा, ये इस बुक का पूरा टाइटल है। ठीक है, अब बात यहाँ ये हो रही है कि ये पुस्तक किनके द्वारा जारी किया गया। एक तो होते हैं कि पुस्तक के लेखक कौन है, पर एक होते हैं ना कि उस बुक को वो प्रमोट करते हैं, तो ये किनके द्वारा जारी किया गया? तो ये अभी हमारे वर्तमान में भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जारी किया गया, जो कि हमारे रंजन गोगोई जी है। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए रंजन गोगोई जी। और अगर मैं इस बुक की बात करूं तो देखिए ये पिता बेटे की एक जोड़ी है, विनय ठाकुर और अमोक ठाकुर, इन दोनों के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। और ध्यान रखिएगा कि इस बुक को हमारे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और देखिए ये अपने ही तरह में ना एक अलग सी पुस्तक है जो कभी भी मतलब हमारे भारत में नहीं देखी गई है। इसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट, 24 जो उच्च न्यायालय है, 12 बेंचों की फोटोग्राफिक इसमें प्रस्तुत की गई है। तो ये सारी चीज़ें तो थी ओवरऑल। और तो रंजन गोगोई जी, ये इनके बारे में क्या ध्यान रखना है कि ये हमारे 46वें हमारे इंडिया के मुख्य न्यायाधीश है, और इनके पहले कौन थे? दीपक मिश्रा जी थे, जो कि 45वें मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब 45वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, और ये हमारे 46वें हैं। तो जारी इनके द्वारा ही किया गया है, हमारा ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी राज में किसान डबल आमद या डबल आफत नामक एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। देखिए बुक आई है किसानों से रिलेटेड, और इसमें ये बात कही जा रही है कि मोदी राज में किसान डबल आमद या डबल आफत, क्या उनकी आमदनी डबल हो गई है या उनकी आफत बढ़ गए हैं और आमदनी कम हो गई है। तो इस चीज़ों को लेकर ये बुक आई है, और तो इसमें मैंने क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे कि ये किनके द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई है आपके योगेंद्र यादव जी के द्वारा। ठीक है, ये स्वराज इंडिया के अध्यक्ष हैं योगेंद्र यादव जी। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी
एंड अगर बात करूं कि इसे जारी किसके द्वारा किया गया है, तो ये अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और पंजाब राज्य किसान और कृषि श्रमिक आयोग के अध्यक्ष अजय वीर जागर जी के द्वारा इसे जारी किया गया है। पर हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि ये किनके द्वारा लिखी गई है, योगेंद्र यादव जी के द्वारा लिखी गई है। हमारे ऑप्शन जाते हैं बी। विकलांग जनों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? देखिए, अभी अभी हमने विकलांगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया है। इसमें क्या होता है, इस विकलांग जनों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट करने के पीछे उद्देश्य ही यही होता है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में विकलांग लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, तो ये अभी अभी हमने सेलिब्रेट किया है 3 दिसंबर को। हमारे ऑप्शन है सी, 3 दिसंबर। ठीक है, और ये 1992 से हम इसे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, इसे एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। विकलांगता के बारे में जागरूकता फैलाना यही इसका मेन उद्देश्य है। ये 3 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।